प्रिय छात्रों, एक लंबे समय के पश्चात आधुनिक भारत की श्रृंखला को पुनः प्रारंभ करते हुए आज के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। पिछली वीडियो में या मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट 10 में हम लोग देख चुके थे किस प्रकार से विदेशी कंपनियों का भारत आगमन हुआ था। आज का जो हमारा प्रॉपर टॉपिक है वह पुर्तगालियों का आगमन या पुर्तगालियों को लेकर के हम डिस्कस करेंगे कैसे भारत में क्या क्या चीजें हुई थी, पुर्तगालियों को लेकर के हम पूरा पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ा सा एक रिवाइज करते हैं। सबसे पहले जो आए थे वो पुर्तगाली आए थे भारत में, उसके बाद जो लोग आए थे वो डच लोग आए थे जिन्हें हम हॉलैंड, इन्हें ही नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात जो लोग आए थे वो आए थे आपके अंग्रेज, और इसके पश्चात जो लोग आए थे वो डैन ऑब्लिक डेनिस के नाम से जाने जाते हैं, ये लोग आए थे, और लास्ट में आए थे आपके फ्रांसीसी। तो फ्रांसी सबसे लास्ट में आए थे। अगर वर्ष का थोड़ा डिस्कस कर लें यहाँ पर, तो वर्ष 1498 में पुर्तगाली भारत आ गए थे। अगर डच, हॉलैंड अथवा नीदरलैंड के वासियों की बात करी जाए तो इनका जो प्रथम अभियान हुआ था जो पूर्वी जगत में हुआ था, स्पेशली एशिया महाद्वीप, दक्षिण पूर्वी एशिया वाले क्षेत्र में, जकार्ता वगैरह को लेकर के हुआ था, वो 1595-96 में हुआ था। अंग्रेज हम समानता इसको 1600 ईस्वी मान ले रहे हैं। फिलहाल अभी इसकी पूरी कहानी समझाऊंगा जब हम इस टॉपिक पर आएंगे, पहले यहाँ, इसके बाद फिर थर्ड नंबर पर क्रम में आएगा तब इसको बताऊंगा। फिलहाल आप 1600 ईस्वी मान लेते हैं। डैन अथवा डेनिस 1616 और फ्रांसीसी 1664, ये क्रम रहा था इनका वर्ष के साथ में कि ये लोग कब कब भारत में आए थे, क्या क्या कहानी रही थी। तो सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए थे, उसके बाद फ्रांसीसी। इस प्रश्न को लेकर कई बार वन डे एग्जाम में या यूपीपीसीएस वगैरह या अन्य सिविल सर्विस के एग्जाम, विभिन्न एग्जाम में इसको पूछा जा चुका है। इनका क्रम कई बार लगवाया जाता है, कौन कंपनी पहले आई थी, कौन बाद में आए, पूछता है सबसे पहले कौन आए थे, पुर्तगाली, सबसे बाद में कौन आए थे, फ्रांसीसी। क्या करेगा, पुर्तगाली आपका हटा देगा यहाँ से, फिर इन चार का क्रम लगवा लेगा, या आपको ये दे देगा तो इसको हटा देगा, इन चार क्रम लगवा लेगा। हमेशा जो आगे पीछे करता है इन तीन में से आगे पीछे करता है, ठीक है। तो ये क्रम हुआ, आगे डिस्कस करते हैं। आप जो हमारा आज का टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं पुर्तगालियों को लेकर के। तो पुर्तगाली टॉपिक को हम विशेष रूप से स्टार्ट करेंगे, और मैं इस पुर्तगाली टॉपिक को लेकर पूरा विश्वास दिलाता हूँ, गारंटी के साथ ये बात कहने को तैयार हूँ कि आज के बाद इस टॉपिक को जितना मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, आप किसी भी एग्जाम को स्टार्ट कर देना, चाहे एक ग्रुप डी के एग्जाम के ना हो और एक आईएएस के एग्जाम तक, और जितने भी प्रश्न रहेंगे इस टॉपिक से 100% आज के बाद आपके कवर हो जाएंगे, और इतने अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे इसको कि हाँ आपके माइंड में ये टॉपिक अच्छे से क्या हो जाएगा, सेटअप हो जाएगा, बैठ जाएगा। चलो डिस्कस करते हैं, तो पुर्तगाली को आगे बढ़ाते हैं। पुर्तगाली जो टॉपिक है हमारा, ठीक है, तो पुर्तगाली टॉपिक को हम समानता जो डिवाइड करते हैं, इसे इंग्लिश में पुर्तगीज बोलते हैं, पुर्तगाली पुर्तगीज कहलाते हैं। तो इसको मैं डिवाइड करूंगा, वो डिवाइड करते हैं 5 भागों में। ये स्ट्रक्चर से बस इतना होता है, टॉपिक हमारे दिमाग में ना एक स्ट्रक्चर बन जाता है, समझ विकसित हो जाती है कि हमें पढ़ना है क्या है, कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले पुर्तगाली में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे इनका परिचय, या बेसिक बातें बात करेंगे। स्पेशली हम जो बात करने जा रहे हैं यहां पर वास्को डी गामा को डिस्कस करेंगे, और साथ में डिस्कस करेंगे हम यहां पर पेड्रो अल्वारेज कैब्रोल को। दूसरा जो टॉपिक रहेगा हमारे परिचय के बाद, हम यहां पर पढ़ेंगे पुर्तगाली गवर्नर, या पढ़ेंगे हम वायसराय। इसको डिस्कस करने के बाद जो हमारा तीसरा पार्ट रहेगा इसी टॉपिक का, पुर्तगाली का, वो रहेगा पुर्तगालियों का विस्तार। इस विस्तार टॉपिक में हम जानेंगे कि जो पुर्तगालियों ने कहाँ अपनी कौन कौन सी फैक्ट्री स्थापित की थी, पहली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित की थी, दूसरी कहाँ, पहली कहाँ, किस किस वर्ष उन्होंने कौन से क्षेत्र को जीता था, उन सबको यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो हमारा चौथा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इनके पतन के कारण, ऐसे क्या कारण रहे थे जिनके कारण पुर्तगाली कंपनी का या पुर्तगालियों का भारत में क्या हो गया, सफाया हो गया, विनाश हुआ। और पांचवा टॉपिक और अंतिम टॉपिक रहेगा हमारे पुर्तगालियों का, वो रहेगा इसका परिणाम, या कह सकते हैं इसको प्रभाव, अर्थात पुर्तगालियों के भारत पर, है ना, जितने समय लोगों ने शासन किया था, जो क्षेत्रों पर शासन करा था, जिन क्षेत्रों पर शासन किया था उन पर
क्या प्रभाव रहा, क्या परिणाम रहा, इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम परिचय को, और परिचय से स्टार्ट करते हुए स्टेप बाय स्टेप इन पांच को कवर करेंगे। आज जो हम कवर करेंगे इन दो टॉपिक को कवर कर लेंगे आज की वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में तीन को कवर करेंगे। तो हमारा दो वीडियो में ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलो तो सबसे पहले बात करते हैं परिचय की, पुर्तगाली कंपनीज को लेकर के परिचय। तो परिचय को समझते हैं। तो को बेसिक जानकारी इस टॉपिक के मैं आपको पहले दे चुका हूं, किस प्रकार से आगमन हो पार्ट 10 में मिल जाएगा। तो ये जो पार्ट 11 आज आपके पास जा रहा है इसमें डिस्कस करते हैं पहले परिचय। तो सबसे पहले बात करते हैं उद्देश्य, आखिर इनके उद्देश्य क्या थे, किसके, पुर्तगाली कंपनी के भारत में आगमन के। यह कहा जाए तो पूर्वी जगत से या पूर्वी जो ईस्ट वाला पार्ट है महाद्वीप का हमारे या विश्व का ईस्ट वाले पार्ट से इनका उद्देश्य क्या था। इनके दो उद्देश्य थे व्यापार करने के, एक तो इनका था आर्थिक उद्देश्य और दूसरा जो था इनका उद्देश्य था धार्मिक। देखो आर्थिक को समझ लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं 1453 1453 में कुस्तुन तुनिया पर तुर्कों का क्या हो गया, या अरबी लोगों का अधिकार हो गया। अधिकार होने के पश्चात जो यूरोप महाद्वीप से व्यापार हो रहा था एशिया महाद्वीप से, अरबों के अधिकार कर लेने के पश्चात कुस्तुन तुनिया पर वो व्यापार की श्रृंखला क्या हो गई, टूट गई। और टूटने के पश्चात यहाँ के व्यापारी क्या हुए, एक प्रकार से अकेले पड़ गए। तो उन लोगों की जरूरत थी कि एक नए मार्ग की खोज की जाए और अपने आर्थिक उद्देश्यों की क्या जाए पूर्ति की जाए। उसके लिए आर्थिक कारण हो गया, इसलिए क्या करें तो उद्देश्य था कि पूर्वी जगत या एशिया महाद्वीप की तरफ जाया जाए, वहाँ नए नए मार्ग हो जाए, स्पेशली भारत को देखा जाए और वहाँ से व्यापार की एक्टिविटीज़ को है ना आगे बढ़ाया जाए। दूसरा धार्मिक कारण ये था कि इस समय लगातार अरब जगत में या इस्लाम धर्म का वर्चस्व स्थापित होता जा रहा था, ठीक है, और वो बड़ी तीव्र गति के साथ आगे बढ़ रहा था। तो ये लोग ईसाई थे तो ईसाई धर्म के प्रचार, ईसाई धर्म को प्रचारित करके, ईसाई धर्म का प्रचार करके ये लोग अन्य धर्मों की जो श्रृंखला थी उसको तोड़ना चाहते थे, चैन को तोड़ करके अपने धर्म का वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे। तो इनके प्रॉपर दो ही कारण थे, दो ही उद्देश्य थे जिनके कारण क्या कर रहा था इन लोगों ने भारत जैसे देश से व्यापार करने के लिए सोचा था, ठीक है। तो ये हो गए इनके उद्देश्य वाली बात। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो हम इसमें बात करने जा रहे हैं स्पेशली परिचय में, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वो करेंगे वास्को डी गामा को लेकर के, क्योंकि यहां से प्रश्न बहुत सारे बनते हैं हमारे। हम ये दो व्यक्ति डिस्कस, एक तो डिस्कस करेंगे वास्को डी गामा और एक डिस्कस पेड्रो अल्वारेज कैब्रल को। तो पहले डिस्कस करते हैं वास्को डी गामा। वास्को डी गामा, तो वास्को डी गामा का सबसे पहला कार्य क्या था, ठीक है। अच्छा बात करते हैं वास्को डी गामा जो था किसका प्रतिनिधित्व कर रहा था, किसका मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहा था। तो ये शासक का नाम था हेनरी द नेविगेटर, या उसे डॉन हेनरी भी कहते हैं, ठीक है। तो प्रतिनिधित्व कर रहा था हेनरी द नेविगेटर, या प्रिंस हेनरी द नेविगेटर पूरा नाम है इसका, या इसका इसका ही दूसरा नाम मिल जाता है हमें डॉन हेनरी। अब डॉन से मतलब ये नहीं है कि डॉन मूवी वाला डॉन है ना, केवल नाम है डॉन हेनरी, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट कर रहा था वास्को डी गामा, इसके प्रतिनिधित्व के तौर पर भारत आया था या खोज पर निकला हुआ था, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये तो पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कैप ऑफ गुड ऑफ अफ्रीका महाद्वीप का जो नीचे को निकला हुआ एक छोटा सा पॉइंट टाइप में, बिंदु टाइप में निकला हुआ नीचे को, है ना, पतला सा कैप ऑफ गुड ऑफ वहां पर है, उसे उत्तम आसान द्वीप कहते हैं। उस रास्ते से होते हुए भारत में, भारत के लिए आया था। इसके जो सहायता की थी वो जो व्यक्ति था है ना, यह कहा जाए पथ प्रदर्शक, तो उसका नाम था अब्दुल मनिक। अब्दुल मनिक नामक पथ प्रदर्शक ने वास्को डी गामा की सहायता की थी भारत तक आने में। और ये जो रहने वाला था ये कहां का रहने वाला था, गुजरात का, ये गुजरात का रहने वाला था, ठीक है। तो अब्दुल मनिक की सहायता से वास्को डी गामा कहां चल दिया, भारत के लिए चल दिया था। ये प्रश्न कई बार आ चुका है कि वास्को डी गामा के पथ प्रदर्शक कौन था, किसने उसको रास्ता दिखाया था, वो कौन था, अब्दुल मनिक था, ठीक है। अब वास्को डी गामा कहां पहुंच रहा है, भारत। तो एक प्रश्न पूछता है आपसे, कई बार पूछा गया कि वास्को डी गामा भारत में कहां पहुंचा था,
या वो सबसे पहले कहाँ आया था, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो देखो आप समझ लो ये केरला इधर, ठीक है, इधर केरला डिस्कस कर लेते हैं, ये केरला वाला भाग, ठीक है, इसे बोलते हैं कालीकट। उस समय कालीकट ये वाला क्षेत्र क्या था, कालीकट कहलाता था, कालीकट। और यहाँ पर एक बंदरगाह था, पोर्ट था, उस पोर्ट का नाम क्या था, कुप्पक डाबू, कुप्पक, कुप्पक डाबू बंदरगाह था, पोर्ट था। कुप्पक डाबू नामक बंदरगाह पर अब्दुल मलिक की सहायता से वास्को डी गामा पहुंचता है, और ये जो पहुंचा, ये पहुंचा 17 मई 1498 को। अब्दुल मलिक कहाँ पहुंच गया, कुप्पक डाबू बंदरगाह पर पहुंच गया, कालीकट पहुंचा। जब ये कालीकट पहुंचा तो यहां पर दो चीजें हुई, एक तो इसका क्या हुआ, विरोध हुआ, और एक क्या हुआ, इसका स्वागत। जो विरोध करा था वो किसने करा था, अरब व्यापारियों ने करा था, और जो स्वागत करा था वहां का जो शासक था उसका नाम था जमोरिन, ठीक है। तो समझते हैं, वास्को डी गामा अब्दुल मलिक की सहायता से कालीकट पहुंचा, कुप्पक डाबू बंदरगाह पर पहुंचा। कब पहुंचा, 17 मई 1498 को पहुंचा। जैसे ही वो पहुंचता है कालीकट पर, दो चीजें सामने आती हैं, एक उसका विरोध और एक उसका समर्थन या स्वागत। जो उसका विरोध करा वो अरब व्यापारियों द्वारा किया गया, और जो स्वागत किया गया जमोरिन शासक द्वारा किया गया था। पहले बात करते हैं अरब व्यापारियों की, आखिर इन्होंने विरोध क्यों किया, कारण क्या था इनका विरोध करने का। कारण यह था कि भारत के इस वाले हिस्से पर अरब व्यापारियों को पूरा प्रभुत्व स्थापित हो चुका था, यहाँ पर पूरा कंट्रोल जो व्यापार को लेकर के था किसका था, अरब व्यापारियों का था, ठीक है। तो अब एक नए व्यापारी वर्ग यहाँ पर आ रहा है, एक नया व्यापारी वर्ग जब आएगा तो 100% कहीं ना कहीं अरब व्यापारियों को उससे क्या होगा, नुकसान होगा। तो इसलिए इन लोगों ने क्या करा, इसका विरोध किया, मतलब जाने के लिए बोला, जो भी आप समझ सकते हो, विरोध किया। स्वागत किसने करा, जमोरिन ने। जमोरिन कौन था, कालीकट का तत्कालीन शासक था। अच्छा, जमोरिन जो है, जमोरिन कोई शासक का नाम नहीं है, जमोरिन बल्कि क्या है, एक उपाधि है, और जो हिंदू शासकों की यहाँ पर उस समय क्या हुआ करती थी, उपाधि हुआ करती थी। फिलहाल तो जमोरिन जब स्वागत करा तो वास्को डी गामा को चीजें लेकर आकर के बढ़ा, ठीक है। इनके विरोध करने कुछ खास परफेक्ट नहीं पड़ा, वास्को डी गामा जिस उद्देश्य आया था वो अपने उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए उसने क्रियाएं शुरू कर दी, ठीक है। स्थिति को वास्को डी गामा भारत पहुंच जाता है। अब बढ़ते हैं आगे, वास्को डी गामा लेकर के और टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। इसके आने के पश्चात होता क्या है, ठीक है, देखते हैं। तो देखो वास्को डी गामा आ गया, उसने करा, ठीक है, उसने भारत से बहुत सारे जैसे कि आपका काली मिर्च, ठीक है, काली मिर्च हुआ, मसाले हुए, बहुत सारे मसाले उसने खरीदे थे, और इन खरीद कर अपने साथ भारत से यहाँ से वापस भी ले गया था। जब वो वापस लेके गया था तो उसको इन मसाले या काली मिर्च पर लगभग 60 गुना क्या हुआ था, मुनाफा हुआ था, फायदा हुआ था। 60 गुना फायदा होने के कारण अन्य व्यापारी वर्ग भी क्या हुआ, प्रोत्साहित हुआ भारत से व्यापार करने के लिए। और काली मिर्च और मसाले का स्पेशली इन दो का क्या हुआ, स्कोप वाली चीज़ें वो चीज़ें बढ़ने लगी थी, अर्थात और व्यापारी वर्ग भी भारत की ओर आकर्षित होने लगे थे, ठीक है। दूसरी बात करते हैं वास्को डी गामा लेकर और आगे बढ़ते हैं। वास्को डी गामा 98 में आया था, उसके बाद वास्को डी गामा दोबारा भी चला गया था वापस, फिर 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत फिर आया, कुछ समय के लिए आया, जितने समय रहा उसके बाद वास्को डी गामा फिर वापस चला जाता है। उसके पश्चात फिर एक बार वास्को डी गामा फिर भारत आता है, और अब जो वास्को डी गामा भारत आया था थर्ड टाइम कहा जाए तो एक प्रकार से ही अनेकों बार आ चुका था, जो भी चीजें थी। अब वास्को डी गामा भारत आया 1524 में, 1524 में वास्को डी गामा अब एक व्यापारी के तौर पर नहीं बल्कि भारत में पुर्तगाली के वायसराय के तौर पर भारत आया था, ठीक है, वायसराय के तौर पर भारत आया था। और ये जो 1524 में आ गया, लेकिन दिसंबर, ठीक है, 1524 में वास्को डी गामा की कोचीन के अंदर जो आपका कहाँ पड़ता है, केरल में क्या हो गई, मृत्यु हो गई, डेथ हो गई। तो वास्को डी गामा जो 1498 में भारत में पहली बार आया था, अन्यतम उसकी डेथ कहाँ होती है, भारत में ही होती है, कहाँ होती है, कोचीन में होती है, कब होती है, दिसंबर 1524 में एज ए वायसराय के तौर पर उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। इस प्रकार से वास्को डी गामा कहानी यहाँ पर क्या होती है, समाप्त होती है। अब आगे बात करते हैं, वास्को डी गामा ठीक था, पहला भारत में
क्या कहते हैं आपका आने वाला वर्ग है जो व्यापारी वर्ग नेतृत्व करता था। अब यहाँ पे एक प्रश्न और पूछा जा चुका है, कई बार एग्जाम में आ भी चुका है कि वास्को डी गामा के पश्चात दूसरा जो व्यापारी वर्ग पुर्तगाल से भारत आया था उसका नेतृत्व करता कौन था, उसका लीडरशिप, उसकी लीडरशिप किसने की थी, लीडर कौन था उसका। तो एक नाम आता है पेड्रो, अल्वारेज कैब्रल, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, ये जो था सेकंड पुर्तगाली, सेकंड पुर्तगाली जो व्यापारी वर्ग आया था उसका कौन था, नेतृत्व करता था। ठीक है, पहली बात, ये कब आया था, तो ये 1500 ईस्वी में आया था भारत। ठीक है, ये सेकंड था, पहला वास्को डी गामा, उसके नेतृत्व में पहला व्यापारी को वर्ग भारत आया था, और सेकंड किसके आया, वास्को डी गामा के बाद पेड्रो अल्वारेज कैब्रल के। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहला टॉपिक परिचय कंप्लीट। अब डिस्कस करते हैं हम किसके लिए, इसके पश्चात जो क्रम बात करते हैं गवर्नर या वायसराय की। ठीक है, तो अब बात करते हैं गवर्नर की, बात करें गवर्नर की या वायसराय की, तो हमें समानता यहाँ पर चार लोगों को पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसके पश्चात जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अल्फांसो डी अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसके बाद तीसरा जो आएगा वो आएगा नीनो डी कुन्हा, नीनो डी कुन्हा। और चौथा जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे हम गार्सिया डी नारोनहा। इन चार को ही हमें पढ़ना है, अधिकांश जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इन्हीं चार से पूछे जाते हैं। अगर हम फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की बात करें और बात करें अगर इसके कार्यकाल की, तो 1505 से 1509 इसका कार्यकाल था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क का जो कार्यकाल था वो 1509 से 1515 था, और नीनो डी कुन्हा की बात की जाए इसका कार्यकाल 1529 से 1538 था, और गार्सिया डी नारोनहा के विषय में कोई खास विशेष बात नहीं, फिर भी इसकी अगर बात करें तो 1538 में ये भारत में पुर्तगाली गवर्नर के रूप में आया था। जो अधिकांश प्रश्न आते हैं वो इन तीन से ही आते हैं। ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा से, अल्फांसो डी अल्बुकर्क से, और नीनो डी कुन्हा से। हमें स्पेशली इन चार को पढ़ना है, और इन चार को पढ़ने के पश्चात हमारा ये वाला टॉपिक जो गवर्नर वाला है सेकंड पार्ट है इस पुर्तगाली का, वो हमारे क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। 1505 से 1509 से 1519 से 1538 और 1538। ठीक है, चलो तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की अगर बात की जाए तो देखो कई सारे प्रश्न पूछते हैं आपसे, पूछता है भारत में कि भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था, है ना, कई बार खूब कई बार प्रश्न आ चुका है। तो पहला कौन था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ही था। चलो बात करते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, तो पहला इसकी विषम पॉइंट कार्यकाल अगर कहें तो कार्यकाल क्या था, तो कार्यकाल रहा था इसका 1505 से 1509। ठीक है, भारत में दूसरी बात इसके विषय में, तो भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ही था। ठीक है, ये वाला प्रश्न कई बार आ चुका है कि भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसको चाहो तो ऐसे भी याद कर सकते हो, FAD, फ्रांसिस्को, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, FDA से याद कर लो तो याद हो जाएगा FDA, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, इसके बारे में दो विशेष बात जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, देखो हुआ क्या था,
जब फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत आया गवर्नर बनकर के, ठीक है, तो पुर्तगाल की सरकार के सख्त आदेश थे कि भारत में जाओ, वहाँ जाकर के दुर्ग स्थापित करो, लेकिन दुर्गों को इस प्रकार स्थापित किया जाए कि जो आपका हिंद महासागर वाला क्षेत्र है या जो हिंद महासागर से व्यापार होता है उस व्यापारिक क्षेत्र पर या उस व्यापार पर पुर्तगालियों का क्या हो जाए, अधिपत्य स्थापित हो जाए, अर्थात वो उसको अपने हैंड में हैंडओवर कर लें। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि इंडियन ओशन वाला जो पार्ट है आपका, अगर थोड़ा सा ऐसे डायग्राम समझ लें छोटी सी बात के लिए, ये इंडियन हो गया, ठीक है, तो इंडियन ओशन वाला जितने पार्ट है यहाँ पर ही सारा का सारा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो, इन सब क्षेत्रों पर, ठीक है, हिंद महासागर क्षेत्रों पर किसका अधिकार हो जाए, पुर्तगालियों का। इस उद्देश्य के साथ, प्रॉपर इसी उद्देश्य के साथ इसको तैयार करके सख्त आदेश के साथ भेजा गया था कि जाओ और हिंद महासागर वाले क्षेत्र को क्या करना है, कंट्रोल करना है। तो इसने एक पॉलिसी अपनाई थी, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसने एक पॉलिसी अपनाई थी और उस पॉलिसी का नाम था विल्यू वाटर पॉलिसी, है ना, विल्यू वाटर पॉलिसी। तो जिसकी पॉलिसी थी कौन सी थी, विल्यू वाटर पॉलिसी, विल्यू वाटर पॉलिसी, ठीक है। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया। इसको दो नाम से और जानते हैं, एक तो इसे जानते हैं शांत जल नीति भी से कहते हैं या नीले पानी की नीति के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो कई बार एग्जाम में प्रश्न आ चुका है कि ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति अथवा नीले पानी की नीति, है ना, भारत में किसके द्वारा अपनाई गई थी। तो उसमें एक ऑप्शन आपका पुर्तगाली, एक ऑप्शन हो जाएगा पुर्तगाली द्वारा अपनाई गई थी। एक बेसिक छोटा सा बच्चा वाला प्रश्न हो जाएगा, किसने अपनाई थी, पुर्तगाली ने अपनाई थी। अब आपसे पूछे निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली गवर्नर ने भारत में, है ना, आपको ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया था, तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है। और थी क्या, तो इसके बारे में आप इतने कह सकते हो कि हिंद महासागर जो हिंद महासागर से व्यापार होता था उस व्यापार पर पुर्तगालियों का नियंत्रण स्थापित करना ही क्या था, एक प्रकार से ये ब्लू वाटर पॉलिसी थी, ठीक है। इसके बाद इसका जो सेकंड महत्वपूर्ण कार्य रहा है, जो अक्सर एग्जाम में कई बार आ भी चुका है, कई बार पूछा जा चुका है, उसको लेकर डिस्कस करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य इसके बारे में वो ये रहा था कि एक संघ था, ठीक है, त्रिपक्षीय संघ बना था और उसमें जो तीन लोग शामिल थे वो कौन कौन थे। एक तो उसमें गुजरात, उसमें एक था गुजरात आपका, गुजरात का शासक वर्ग सम्मिलित था। तीसरा जो वर्ग था उसमें तुर्की, जिसे आप टर्की बोलते हो, और तीसरा कौन सा था, मिस्र, जिसे आप इजिप्ट बोलते हो, ठीक है। तो ये त्रिवर्गीय मुस्लिम संघ था, ये क्या था, एक मुस्लिम संघ था, ठीक है, ये मुस्लिम संघ था। 1508 मैं इस मुस्लिम संघ से, ठीक है, युद्ध हुआ था किसका, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का। लेकिन इस युद्ध में, प्रारंभिक युद्ध में क्या हुआ था, 1508 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पराजित हुआ था और इसका बेटा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का बेटा भी इस युद्ध में क्या हुआ था, मारा गया था, ठीक है। लेकिन 1509 में, उसके बाद 1509 में जो इसके शासन का अंतिम वर्ष भी है, इसने क्या करा, एक बार फिर से इनसे युद्ध हुआ और इन तीनों को, ठीक है, गुजरात को, तुर्की को, मिस्र के, इन तीनों की सम्मिलित सेना को, ठीक है, इन तीनों की सम्मिलित सेना को 1509 में, ठीक है, एक स्थान है चोल, चोल नामक स्थान पर क्या कर दिया, पराजित कर दिया। और जैसे ही इसने इन तीनों की कमांड सेना को पराजित किया, है ना, इस वाले एशिया महाद्वीप में एक प्रकार से पुर्तगालियों की नौसेना शक्ति का प्रभुत्व स्थापित हो गया और इस विजय के साथ अब इनको कोई भी टक्कर देने वाला भारत में नहीं था। इनकी नौसेना क्षमता बहुत ज्यादा क्या हो गई, मजबूत हो गई थी, ठीक है। तो ये था हमारा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अब बात करते हैं इसके पश्चात हमारा सेकेंड है आपका अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो देखो अगर इसके बारे में बात की जाए, सबसे पहले बात करते हैं कार्यकाल की, इसके कार्यकाल क्या रहा था,
तो बताया था अभी आपको इसका कार्यकाल कितना था, 1509 से 1515, ठीक है, इसका कार्यकाल था। दूसरी बात, दूसरा गवर्नर था भारत में पुर्तगालियों का, दूसरा सेकंड गवर्नर था भारत में। तीसरी बात इसके विषय में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और एक नहीं जाने कितने एग्जाम में पूछी जाए, वो आपका चाहे वनडे एग्जाम हो चाहे आपका सिविल सर्विस के एग्जाम हो, हर किसी एग्जाम में आ चुका है, पूछा यह गया है कि पुर्तगालियों का भारत में वास्तविक संस्थापक कौन था। तो ये क्या था, वास्तविक संस्थापक कौन था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। पुर्तगाली शासन का भारत में वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। कैसे था देखो समझो, हुआ क्या था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ये 1509 में ही भारत नहीं आया था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1503 में एक व्यापारिक जो समूह आया था उसका नेतृत्व करते हुए भारत पहुंचा था, ठीक है, और इसने पुर्तगाली कंपनी में कार्य करना प्रारंभ कर दिया था 1503 में। इसी के नेतृत्व में कोचीन में है ना जो पहली इनकी फैक्ट्री स्थापित पुर्तगालियों की, वो इसी के नेतृत्व में स्थापित की गई थी, ठीक है। तो एक लंबे समय से भारत में था, तो ठीक है, इस प्रकार से 1515 में एज ए गवर्नर या वायसराय तो इसने कार्य किया था, तो वास्तविक संस्थापक था, क्योंकि इसके समय क्या हुआ था, क्षेत्रीय राज्य की स्थापना, रीजनल स्टेट्स, मतलब इसके अल्फांसो डी अल्बुकर्क के समय ही भारत में पुर्तगालियों ने छोटे छोटे क्षेत्रों को जीतना शुरू कर दिया था, कुछ क्षेत्रों को विजित भी कर लिया था, जीत लिया गया था। इस प्रकार से कहा जाता है कि वास्तविक संस्थापक था, अर्थात क्षेत्रीय राज्य की स्थापना जो करी थी वो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने ही की थी, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें दो चार और हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या रहा था इसके बारे में, ठीक है। तो देखो सबसे महत्वपूर्ण कार्य इसके समय रहा था एक 1510 में, 1510, उसमें क्या करा था, इसने गोवा को जीता था, ठीक है, गोवा को जीता था। कई बार प्रश्न आ चुका है, तो बात करते हैं 1510, एक बात करेंगे 1511 और एक बात करेंगे 1515, इन तीन वर्ष को लेकर के हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। 10 को लेकर डिस्कस करेंगे, 1511 को और 1515 को डिस्कस करेंगे। तो देखो होता क्या है, 1510 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क के नेतृत्व में गोवा, ठीक है, गोवा को जीता गया, अर्थात अल्फांसो डी अल्बुकर्क नेतृत्व पुर्तगालियों द्वारा 1510 में गोवा को जीत लिया गया। अब एक प्रश्न यहां से पूछता है कि 1510 में जो गोवा को जीता वो किसके नेतृत्व में किससे जीता गया था, ठीक है। तो वो जो शासक था बीजापुर, दक्षिण भारत में राज्य था, बीजापुर का शासक था, उसका नाम था यूसुफ आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह जो बीजापुर का उस समय शासक था उससे इसने गोवा को प्राप्त किया था। कई बार प्रश्न आ चुका है कि जब अल्फांसो डी अल्बुकर्क है ना या पुर्तगाली द्वारा गोवा को जीता गया, स्पेशली पीसीएस पूछा गया है, तो उस समय किससे जीता था और वहां का शासक कौन था, ठीक है। तो बीजापुर से यूसुफ आदिल शाह से जीता गया था, ठीक है। एक प्रश्न तो हमारा ये कंप्लीट हुआ। दूसरा, अब बात करते हैं 1511 की। 1511 में आपने सुना होगा मलक्का, आप बड़े जगह भी पढ़ते होगे, तो वहां पर हमेशा संधि पढ़ाई जाती है, मलक्का जल संधि, ठीक है। तो वहां पर मलक्का आता है, मलक्का कहा जाए तो कहां पर है, दक्षिण पूर्वी एशिया में मलक्का स्थित है। और अगर आप और इसको डीपली जानना चाहो तो जो आपका मलेशिया प्रायद्वीप है, मलेशिया प्रायद्वीप या मलेशिया, और उसके नीचे आपका सुमात्रा, इंडोनेशिया का जो आपका प्रायद्वीप सुमात्रा है, उन दोनों के बीच में एक जलसंधि है, मलक्का ट्रीटी या मलक्का जलसंधि के नाम से जानता हूं, वहीं पर मलक्का क्षेत्र था। इसको 1511 में किसने जीत लिया, इन लोगों ने जीत लिया, अर्थात अल्फांसो डी अल्बुकर्क के नेतृत्व में पुर्तगाली ने मलक्का को क्या करा, जीत लिया। अब बात 1515, तो एक शहर है हरमुज, आई थिंक दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको ऊपर ले लेता हूं, तो 1515 में एक शहर था हरमुज, 1500 एक शहर है हरमुज, ठीक है। अगर बात करें ये कहां पर है, तो इस
प्रकार से आप देखो अफ्रीका जो अरब प्रायद्वीप है कुछ इस प्रकार से ना ऐसे ऐसे कुछ है। तो अरब प्रायद्वीप का ये वाला जो भाग है यहाँ पर हरमुज स्थित है, ठीक है, और देश यहाँ पर पड़ता है ओमान, तो यहाँ पर हरमुज है। तो 1515 में इस पर क्या कर लिया, आधिपत्य स्थापित कर लिया, इसको जीत लिया गया, ठीक है। अब समझना बात को, हिंद महासागर वाला क्षेत्र ये हो गया, ठीक है, इधर आपका इसको थोड़ा सा इस प्रकार से ले जाओ तो ऐसे कुछ बन जाएगा, ठीक है, थोड़ा ऊपर बनेगा, इसको यहां से ले जाते हैं कुछ इस प्रकार से, समझने की कोशिश करो, ठीक है। ऐसे मान लो यहां पर आपका हरमुज हुआ, ठीक है, यहां पर आपका इसने गोवा को जीत लिया, ठीक है, इधर आपका यहां पर अगर बात करी जाए तो यहां मलक्का या मलेशिया प्रायद्वीप हो गया, इधर आपका सुमात्रा हो गया, उधर आपका ये अंडमान निकोबार यहां से आ रहा है, यहां मलेशिया प्रायद्वीप, इनके बीच में यहां पर इसको जीत लिया, मलक्का को जीत लिया। इस प्रकार से अब इनका हिंद महासागर वाले क्षेत्र पर क्या हो गया, पूरी तरीके से अधिकार हो गया, ठीक है, अर्थात एक बड़ी शक्ति के रूप में अब इन्होंने क्या कर दी, सत्ता स्थापित कर दी। तो 1510, 1511, 1515, 1510 में गोवा, 1511 में आपका क्या मलक्का, और 1515 में हरमुज को, इन तीन क्षेत्रों को जीत लिया गया, और ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क की एक बहुत बड़ी विजय मानी जाती है, ठीक है। ये हो गए इसके बारे में थोड़ी सी बातें, अब बात करते हैं इसके थोड़ी सी नीतियों के बारे में, बात इसकी नीतियां क्या, पॉलिसी क्या रही थी। तो एक चीज अक्सर एग्जाम पूछी जाती है, स्पेशली पीसीएस वगैरह में पूछता है, वनडे एग्जाम में तो नहीं, वो पूछता है आपसे कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क, है ना, एक पॉलिसी ये थी कि इसने जो पुर्तगाली थे, जो पुर्तगाली पुरुष थे, उनको स्पेशली आदेश दिया था कि क्या करें, वो भारतीय महिलाओं से, है ना, शादी करें। पुर्तगाली पुरुष भारतीय महिला शादी करेंगे तो उनका क्या होगा, भारत में प्रभुत्व क्या होगा, अधिक हो जाएगा, भारतीय महिला शादी करने निवास स्थान या आने जाने जो भी कुछ होगा चीजें, स्थायीपन उनका ज्यादा रहेगा। ये एक अपने आप में वाला टॉपिक है, डिस्कस ज्यादा नहीं करें फिलहाल इतना। दूसरी एक नीति और रही थी, इसने क्या करा था, एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि भारत में किस पुर्तगाली गवर्नर ने, ठीक है, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाए थे, तो वो कौन था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। अब ये नहीं कि इसने पूरे भारत में प्रतिबंध लगाए थे, ना, कहीं पर पूरे भारत में नहीं, बल्कि जो पुर्तगालियों के अधिकार क्षेत्र थे उनके अधीन जो भारत में क्षेत्र, जैसे मान लो अब गोवा हो गया, ठीक है, या अब जैसे मान लो नीचे आपका कोचीन वगैरह क्षेत्र हो गया, उन सब पर प्रतिबंध कहां लगा, सती प्रथा को रोक दिया गया था, ठीक है, पूरे भारत में नहीं, केवल पुर्तगालियों द्वारा जीते गए क्षेत्रों में, केवल वहीं पर सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसकी एक पॉलिसी और रहती है अल्फांसो डी अल्बुकर्क की, इसने मुस्लिमों के प्रति कठोरात्मक नीति को अपनाया था, ठीक है। तो ये इसके तीन पॉलिसी रही थी। एक चीज और बचती है, 1500 जब ये भारत में शासक बना था या गवर्नर वायसराय बना था, तो इसने एक क्षेत्र कोचीन केरल, तो कोचीन जो केरल में, इसको अपना मुख्यालय बना दिया, अथवा इसको अपनी एज ए राजधानी कैपिटल के रूप में क्या करा, प्रस्तुत करा था, इसको राजधानी या मुख्यालय बना दिया, हेडक्वार्टर बना दिया था, ठीक है। तो इसके समय में ही कोचीन को हेडक्वार्टर बना दिया गया था, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो किसकी बात करेंगे, नीनो डी कुन्हा की, ठीक है, नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा, अगर कार्यकाल की बात करी जाए तो कार्यकाल था 1529 से 1538, ठीक है, ठीक है। तो अब डिस्कस करते हैं इसको, चलो देखो पहली बात नीनो डी कुन्हा को लेकर के पहली बात करते हैं। इसके समय दो चार चीजें थी, इसने जो अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है, इससे पहले अभी आपको बताया कि इससे पहले जो इनकी राजधानी वो क्या थी, कोचीन थी, लेकिन अब राजधानी क्या बना दी गई, गोवा बना दी गई। तो कई बार प्रश्न आ चुका है कि किसने गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया था, तो वो बनाया था नीनो डी कुन्हा ने, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात करते हैं अब इसके बारे में और, ठीक है, दो क्षेत्र हैं जिनको लेकर के प्रश्न कई बार आ चुका है, ठीक है, उनको डिस्कस लेते हैं। एक तो आपका संथोम जो मद्रास के पास है, एक स्थल था संथोम जो कहां पर है, मद्रास के पास में। एक स्थल आपका और है, उसका नाम है हुगली,
जो कहाँ पर है आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो संतोम और हुगली इन दो क्षेत्रों पर इसने क्या करा था, यहाँ पर पुर्तगालियों की बस्तियाँ स्थापित की थी। बस्तियों से मतलब हो गया उनके रहने के लिए बहुत सारी जगहों की स्थापना को, घर वगैरह जो बनाए गए थे उनके रहने के लिए बस्तियाँ बना दी गई थी। तो अब एक बड़ा बदलाव समझ में आता है हमारे, हमने देखा इससे पहले नीनो डी कुन्हा से पहले चाहे आपके दोनों गवर्नर रहे, बीच में 1524 में वास्को डी गामा भी आया, ठीक है, गवर्नर के बादशाह तौर पर, तो देखा उससे पहले इन सब लोगों ने भारत के, है ना, पूर्वी वाले भाग पर, ईस्ट वाले पार्ट पर, ठीक है, भारत के पूर्वी वाले भाग पर क्या करा था, यहाँ पर बस्तियों की स्थापना करी थी। इससे पहले किसी ने भी पश्चिम वाले वेस्ट वाले पार्ट में भारत के बस्तियों की स्थापना नहीं की थी। तो एक बड़ा बदलाव था इसके समय कि पश्चिम में, भारत के पश्चिम वाले भाग में क्या कर पुर्तगालियों का विस्तार किया गया, ठीक है। दो बातें इसके बारे में और हैं, उनको डिस्कस करते हैं, फिर ये भी हमारा कवर हो जाएगा, ठीक है। 1534 और 1535, 1534 और 1535। तो देखो 1534 में एक क्षेत्र था बेसिन, और 35 की बात थी एक क्षेत्र था आपका दीव, ठीक है। बेसिन दोनों आपका महाराष्ट्र में, दीव दमन दीव तो आप जानते ही हो, बेसिन का है महाराष्ट्र में, ठीक है। 1534 में पुर्तगालियों ने बेसिन पे क्या करा, अधिकार किया, और 1535 में दीप पे क्या कर लिया, अधिकार कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रश्न आया हुआ है, आई थिंक आईएएस का प्रश्न था, और ये पूछा गया था कि बेसिन को पुर्तगालियों से किसने छीना था। तो 1739 में मराठों द्वारा, ठीक है, पुर्तगालियों से इसको छीन लिया गया था। फिर दीप की अगर बात करें, दीप तो आप जानते ही हो कि 1961 में भारत सरकार ने कार्रवाई करी थी पुर्तगालियों के खिलाफ, तब जाकर इसको आजाद कराया गया था, ठीक है। तो ये दो क्षेत्र थे बेसिन और दीप, इनको भी क्या करा गया था, इन्होंने 34 में जीता लेकिन 39 में ये आजाद हो गया, मराठा छीना, 1960 में भारत सरकार ने इसको क्या करा था, कार्रवाई करके छीन लिया, उसको भगा दिया पुर्तगालियों के यहाँ से, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा हुआ नीनो डी कुन्हा। और लास्ट अब हमारा बचता है एक टॉप, लास्ट पॉइंट हमारे गवर्नर जो हमें पढ़ना है, वो पढ़ना है गार्सिया डी नारोन्हा, ठीक है, गार्सिया डी नारोन्हा। 1538 में भारत का वायसराय बना था, 1538 में, ठीक है। इसके विषय में इतने कुछ खास तो नहीं, लेकिन फिर भी एक दो पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं। पहला, इसने बड़े स्तर पर भारत में पुर्तगालियां बस्तियों की स्थापना की थी, ठीक है। तो बड़े स्तर पर क्या करा था, पुर्तगाली जो बस्तियां थी उनकी स्थापना किया था, बस्तियों की स्थापना किया, बहुत सारी बस्तियां थी उनको डिस्कस करेंगे विस्तार वाले क्षेत्र में बहुत अच्छे से, ठीक है। तीसरा जो फैक्ट है इसके बारे में, वो बात ये थी कि सीलोन, जिसे श्रीलंका ही कहा जाता था, पूर्व श्रीलंका, वर्तमान का श्रीलंका, सीलोन, इसने सीलोन अथवा श्रीलंका के कुछ क्षेत्रों पर क्या कर लिया था, विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन वो विजय लंबे समय तक बरकरार नहीं रह पाई थी, और कुछ समय पश्चात ही वो इनके हाथ से क्या हो गया था, निकल गया था, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारा टॉपिक, पुर्तगालियों के दो टॉपिक कवर हुए, एक टॉपिक हमारा परिचय और एक हमारा गवर्नर ऑब्लिक वायसराय। अब जो तीन टॉपिक बचे हैं उनको कवर करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, है ना, और वही चीज, छोटी सी बात है कि वीडियो क्या करो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।